आरबीएससी के दसवीं के परिणाम में अंक तालिकाओं में हुई गड़बड़, निजी स्कूल एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष कैलाश शर्मा ने दी जानकारी। इस मामले में देंगे ज्ञापन। कल जारी हुए आरबीएससी के दसवीं के परिणाम में अंक तालिका में राजस्थान के कई जिलों के बच्चों के परिणाम में गड़बड़ी सामने आई है। जहाँ टोटल 605 आ रहे हैं, वहाँ परिणाम में टोटल मात्र 590 ही दिए गए। मीडिया को इसकी जानकारी देते हुए निजी स्कूल एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष कैलाश शर्मा ने कहा कि इस पर हम जल्दी ज्ञापन सौंप कर कार्रवाई करने की मांग करेंगे। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का सेकेंडरी का परीक्षा परिणाम घोषित हुआ, जिसके अंदर छात्रों को लेकर अंक तालिकाओं में कई गड़बड़ियाँ हैं और इन गड़बड़ी की आज हमें सूचनाएं महासंघ को मिली। इसकी पड़ताल में हम शीघ्र ही बोर्ड को एक ज्ञापन प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि एक इतनी बड़ी छात्र हित में जो बोर्ड की जो गोपनीयता, जो पुराने समय में जो बोर्ड की विशेषनीयता जो थी, आज लगभग खत्म हो चुकी है, क्योंकि राजनीतिक हस्तक्षेप इसके पीछे पड़ा हुआ है। तो इसके धीरे धीरे छात्रों को अहित में भी काम होने लग गए। आज जब हमारे पास अंक तालिका आई है, इसके टोटल में टोटल बच्चा अंक ला रहा है 607 और उसके टोटल लग रहा है 531। तो इतनी बड़ी गड़बड़ी जो बोल्ड कर रही है, ये तो अभी हमारे पास कई जिलों से सूचनाएं आ रही है। राजस्थान में लगभग कई स्कूल छात्रों के साथ गड़बड़ियां हो रही है, इसका हम जांच बोर्ड को शीघ्र ही लेटर लिखकर मांग करेंगे। लेकिन हम ये सबसे बड़ा दाग है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पे, जो छात्र अहित के लिए कार्य कर रहे हैं। इस वर्ष सरकार ने निजी विद्यालयों को परीक्षा केंद्रों पर शिक्षक के रूप में और कॉपियों का मूल्यांकन हेतु इस वर्ष बाहर कर दिया राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण। और जो कॉपियां इन्होंने मूल्यांकन जो छात्रों का करवाया है, वो जो ऐसे ऐसे टीचर से कराया जिनकी आज स्थिति देखो, बच्चों का रिजल्ट इतना डाउन चला गया है।